बड़ी हाउ आर यू ऑल, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन. टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में आज की क्लास में बेटा मैंने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो एक सेपरेट टॉपिक है. इट इज नॉट रिलेटेड विद केमिकल आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज जस्ट रिलेटेड विद अट्रैक्शन. टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दैट मीन्स We will talk about the formation of hydrogen bond. अब इसके applications क्या है, क्या इसका role है everyday life में, वो सब हम लोग discuss करेंगे. Okay बच्चों, चलो हम लोग start करते हैं बात को. मैंने इसे कहा if any hydrogen atom, तो बेटा हम लोगों ने लिखा यहां पर if any hydrogen atom is present in between two more electronegative atoms, maybe same or different then due to an electrostatic force of attraction, due to an electrostatic force of attraction, a bond is formed by hydrogen. This is known as hydrogen bond. This is known as hydrogen bond. Okay guys, तो मैंने आपसे कहा if any hydrogen atom is present in between two more electronegative atoms, maybe same or different, then due to an electrostatic force of attraction, a bond is formed by hydrogen. Then this is known as hydrogen bond. Okay? चलो आगे बात करते हैं. इतना खेल हो गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का. अब दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड में सेकंड पॉइंट, एनी टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांट बी पॉसिबल इन हाइड्रोजन बॉन्ड. ये मैंने लिख दिया बेटा ना, शेयरिंग नहीं होगी, ओनली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. देखो बच्चों कंडीशन लेते बेटा हम लोग ना, देखो इधर सुनो. मैंने कहा Ha हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये केस हुआ एक और मॉलिक्यूल है बेटा Ha हैविंग मोर EN देन हाइड्रोजन. ये केस हुआ, यहां हुआ आपका अट्रैक्शन. फिर चले बेटा Ha, चलता चला जाएगा ऐसे प्रोसेस H प्लस A माइनस, ये हुआ बेटा है ना. फिर यहां पर क्या हुआ, ऐसा हो गया. ये क्या लिखा बेटा, इन टर्म्स ऑफ EN. तो यहां पर जो बॉन्ड बना, this is said to be hydrogen bond. कैसे, तो मैंने ये लिखवाया if hydrogen atom
is present in between two more electronegative atoms. Then a bond is formed by hydrogen. Then a bond is formed by hydrogen, and this is known as hydrogen bond. It is always formed due to an electrostatic force of attraction, and any kind of sharing of electrons can't be possible in this बॉन्ड. तो शेयरिंग थोड़ी हुई बेटा, क्या हुआ है? अट्रैक्शन हुआ है कि हाइड्रोजन एटम दो मोर इन वालों के बीच में आ गया, तो यहां पर अपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन डेवलप हुआ हाइड्रोजन की वजह से मोर इन के साथ में, तो उसको हम क्या बोल दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है बच्चों? तो मुद्दे की बात यह आई बेटा, मोर ई एन हैविंग एटम्स, मोर ई एन हैविंग एटम्स, हैविंग atoms are having, atoms are responsible for hydrogen bonding. More en having atoms are responsible for hydrogen bonding. तो यहां पर क्या? Fluorine, oxygen, नाइट्रोजन. फ्लोरीन, ऑक्सी, नाइट्रोजन. अच्छी खासी ये इनकी वैल्यूज देखो आप, इनमें 4.0, 3.5, 3.0. और ये जो मैं लिखा है बेटा क्या कर दें? कैपेबल फॉर, कैपेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या लिखा बेटा? कैपेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये तीन एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल है, वो कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. क्लियर है बेटा? बात क्लोरीन है, क्लोरीन भी होता है, बट वो स्पेशल कैसे से वो मैं आपको पढ़ाऊंगा. क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं. अब मैंने यहां लिखा बड़ा टॉपिक, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. फर्स्ट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंड, फर्स्ट इंटर, सेकेंड इंट्रा. ओके गाइस, फर्स्ट है इंटर, सेकेंड है अपने पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट लिखा मैंने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब देखो बेटा, यहां लिखा मैंने, सुनना, यहां लिखा बच्चों मैंने ऐसे लिखा, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस in between two molecules, maybe in between two molecules, maybe same or different. If hydrogen bonding takes place in between two molecules, maybe same or different, then hydrogen bond is known as intermolecular hydrogen bond. If hydrogen bonding takes place in between two molecules, may be same or different, then hydrogen bond is known as intermolecular hydrogen bond. दो molecule के बीच में जब bond बने उसके बोले intermolecular. Clear है बेटा बात? दूसरी बात है अपने पास कौन सी? अभी एग्जांपल्स लूंगा बेटा मैं, एक साथ रुक जाओ. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें देखो बच्चों आप क्या लिखा बच्चों हमने, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल,
इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल देन दिस इज नॉन एज एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन दिस इज नॉन एज एन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो क्या हुआ अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूलर और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है मतलब उसी मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बच्चे उसको क्या बोलोगे आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम लोग क्या करें देखो सुनो मैंने कहा है आपसे इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो बच्चों मैंने ऐसे कहा सुना फर्स्ट मॉलिक्यूलर एसोसिएशन. तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नाम से पता सुनो एसोसिएशन मतलब चीजों का एसोसिएट होना जुड़ना आपस में जुड़ना तो मॉलिक्यूल्स का जुड़ना दैट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट इंट्रा. इंट्रा तो बेटा एटम्स जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है वो जुड़ेंगे मॉलिक्यूल के अंदर पर मॉलिक्यूलर मतलब मोर देन वन मॉलिक्यूल एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो 100% कंफर्म है हम बात किसकी करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. तो क्या हुआ बेटा मैंने ऐसे कहा मोर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन मोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन. ठीक है बेटा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे. ओके गाइस अब देखो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए इतनी बात हो गई जितना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे. सेकंड टर्म मैंने यहां लिखी क्या बेटा बॉइलिंग पॉइंट बीपी. है ना देखो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए उनको अलग करने में पावर बहुत ज्यादा लगेगी तो पावर बहुत ज्यादा लगेगी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा आग लगानी पड़ेगी उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट. तो मैं ऐसा लिख दूं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. क्लियर है बच्चों ठीक है. तीसरी बात थर्ड आया बेटा अपने पास वॉलेटिलिटी. क्या लिखा है बेटा वॉलेटिलिटी इसमें क्या लिखा है बेटा The tendency of any liquid, the tendency of any liquid to change into its vapor phase. Is known as volatility. So the tendency of any liquid to change into vapor phase is known as volatility. So liquid का vapor में बदलना ये क्या कहलाता है बड़ा volatile nature या volatility कहलाती है ना. चलो आगे बढ़े बच्चों अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना है ना. तो मैं कहूं यार आपसे boiling point मैं ऐसे बोलूं आपसे क्या boiling point
बॉलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी. क्या लिखा है बेटा? बॉलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी. क्या जिसका बॉलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह उसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है. बहुत ज्यादा गर्म क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ऊपर भाप बन के स्टीम के फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में जा नहीं पा रहा है, उसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा. तो बहुत ज्यादा गर्म क्यों करना पड़ रहा है? बॉलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसको वॉलेटाइल नेचर क्या है बेटा? कम है, ऊपर वेपर फेज में जा नहीं पा रहा है. अब बॉलिंग पॉइंट मान लो बहुत कम है, इसका मतलब क्या, वो इजिली ऊपर उड़ रहा है, कम गर्म करना पड़ रहा है, इजिली उड़ गया. तो इसका मतलब उसके वॉलेटाइल नेचर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा. तो लिक्विड की वेपर में, वेपर फेज में बदलने की टेंडेंसी क्या कहलाती है बेटा? वॉलेटाइल नेचर या फिर वॉलेटिलिटी. ओके गाइस, चलो अब तो फाइनल एक बात कर दे हम लोग. फाइनल एक बात लिख दे, क्या लिखा देखो सुनो. मॉलिक्यूलर एसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली टू वॉलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके गाइस, इतना काम मैंने यहां पर लिख दिया. ओके अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर, है ना बच्चा? क्वेश्चंस लेते हैं, देखो हम लोग एक एक करके. यहां मैंने टॉपिक डाल दिया और टॉपिक को मैं क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा बेटा. एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या लिखा है बेटा? एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसमें सुनो, क्वेश्चन नंबर वन बहुत इजी वे में क्वेश्चन है, वहां से लेके बात को स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन नंबर वन, H2O इज अ लिक्विड वेर इज H2S is a gas. H2O is a liquid, whereas H2S is a gas. है ना बेटा? चलो इसके सॉल्यूशन पे आए. सुनो बेटा, क्या हुआ? H2O को लिखा बेटा हमने ऐसे, H2O ऐसे लिखते चले गए. ऑक्सीजन हैविंग मोर ion than हाइड्रोजन, प्लस माइनस, है ना बच्चों? तो हाइड्रोजन एटम दो मोर ion वालों के बीच में आ गया बेटा. तो यहां मैंने लिखा बेटा क्या, कौन से हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल के बीच में ना बेटा, क्या बोलोगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. क्या लिखा बेटा? इंट्रा मॉलिक्यूलर. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो गया. तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो मॉलिक्यूल किस फॉर्म में आएगा? बिल्कुल जुड़े हुए रहेंगे बेटा. गैस की फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में थोड़ी है, तो आपस में जुड़े हुए हैं. तो इसका मतलब यह हुआ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O क्या है बेटा? लिक्विड. बट H2S में चले कि मान लो मैं लिखना चाहूं, सेम फैमिली का बेटा, ऑक्सीजन के बाद सल्फर नीचे, H2S लिखा मान लो मैंने ऐसे, है ना, ऐसे लिखना चाहा, तो क्या ये केस होगा? मतलब यहां पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे बेटा? नहीं करोगे. क्यों? सल्फर का जो साइज है बहुत ज्यादा है, बड़ा है बेटा. दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट सच अ सफिशिएंट वैल्यू, है ना बेटा? सफिशियंट वैल्यू अगर होती तो क्या बनाता? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता. पर इसकी उस रेंज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है जितनी हमें रेंज में चाहिए, है ना, जितना फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की होती है. तो सल्फर का एक तो साइज बड़ा है और एक ईएन बहुत कम है. इसका मतलब यह हुआ इट इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. इट इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है बेटा बात?
इट इज नॉट केबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेबल नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यार H2O मॉलिक्यूल किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा. किस फॉर्म में रहेगा? डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब बिखरा हुआ रहेगा. और डिस्क्रीट फॉर्म में रहने की वजह से क्या होगा, ये गैस होगा. तो क्या हमने क्या लिखा बेटा, H2O इज अ लिक्विड वेयर H2O इज अ गैस, बिकॉज इन H2S एनी काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कांट बी पॉसिबल. और वी नो वेरी वेल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस विथ ईच अदर. मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस विथ ईच अदर. तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे किसमें, H2O में. पर H2S में जुड़ पाएंगे बेटा, नहीं जुड़ पाएंगे. तो वो बिखरे हुए रहेंगे बेटा, क्या रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा. तो ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन था, पर आपको पता है बेटा नीट में किसी भी लेवल के इजी के सवाल भी आते हैं, तो आगे टफ सवाल भी आता है. अगला सवाल आया बेटा, क्वेश्चन लिया, व्हाई अल्कोहल एज Why alcohol is soluble into water? सोल्यूशन पे आया बेटा, देखो इसके सोल्यूशन पे आया. देखो बच्चों, अल्कोहल ये लिखा हमने HOR, तो H प्लस O माइनस ये हुआ. फिर लिखा हमने HOH, पानी हो गया बेटा, H प्लस O माइनस ये हो गया बेटा, है ना. फिर हमने लिखा बेटा यहां पर HOR और फिर लिख दिया हमने HOH. खेल वही प्लस माइनस क्या बनाया बेटा हमने, यहां देखो आप, ये देखो ऐसे चलता जाएगा बेटा प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा. ये जो मैंने बनाया इसको मैंने यहां लिखा एंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो वी नो वेरी वेल एल्कोहल इज सॉल्व इन टू वॉटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन वॉटर एंड एल्कोहल मॉलिक्यूल. तो ये आपस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. तो मैं फाइनल एक कॉन्सेप्ट आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. क्या लिखा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. क्लियर है बच्चों बात. तो इस वजह से अल्कोहल की सॉलिबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज्यादा होगी. एंड बोथ आर पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व्स लाइक. अगर वो बात करें कि H2O एंड ROH अल्कोहल, ये दोनों अपने पास क्या है बेटा, पोलर सॉल्वेंट, जो चार्ज सॉल्वेंट है ना बेटा, पोलर या यू कह दो पोलर इन नेचर. एंड वी नो वेरी वेल लाइक डिजोल्व लाइक, एक कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकते हैं आप, लाइक पढ़ाया बेटा मैंने सॉलिबिलिटी आप लोगों को पूरा, लाइक डिजोल्व लाइक, है ना. तो लाइक डिजोल्व लाइक इसका मतलब ये हो गया, इजिली ये इसमें सॉल्यूबल होगा. दैट्स वाई एल्कोहल सॉल्वेंट टू वाटर. तो मेनली बात यह, एल्कोहल सॉल्वेंट टू वाटर, तो मेनली ये होगा, ये रीजन दिया सकता है, हो सकता है आपको ये रीजन दिया जाए, जैसा ऑप्शन वैसा काम आप कर देना. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वॉलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी इनटू गिवन फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके गाइस, कंटेंट्स देखो आप, क्या लिखा है बेटा यहां पर, ग्लिसरीन, ओके, ग्लाइकॉल एंड ग्रैन एल्कोहल. क्या लिखा बेटा, सॉरी, ग्रैन एल्कोहल कंटेंट्स है बेटा इसके ना. इन सब में हमें क्या करना है,
एक ऑर्डर निकालना है, तीन ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन पे आए बेटा, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, इसके सॉल्यूशन पे आए। सॉल्यूशन जब हम लोग आए बेटा ना, तो क्या हुआ देखो, ग्रैन एल्कोहल पे आए पहले हम लोग, किस पे आए, ग्रैन एल्कोहल, ग्रैन एल्कोहल की बात कर। तो ग्रैन एल्कोहल क्या होता है बेटा, इट इज ऑप्टेंड बाय, ये याद होनी चाहिए बेटा चीजें आपको, इट इज एनसीईआरटी का पार्ट है सब कुछ, इट इज ऑप्टेंड बाय बार्ले सीड्स, जो होता है ना, जो जैसे बाजरा होता है, मैज होती है, मक्का होती है, वीट गेहूं होता है, जैसे जो होता है वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है अपने को ये सीड, अनाज होता है ये, तो बार्ले सीड जो के बीजों से बियर बनती है, देखो है ना, ठीक है, बियर बनती है बेटा इससे। तो ग्रैन एल्कोहल मतलब क्या हुआ, विच इज ऑप्टेंड बाय बार्ले सीड्स, विच इज ऑप्टेंड बाय बार्ले सीड, इट इज फाउंड इन बियर, है ना, बियर मिलता है। और केमिकल फॉर्मूला होता है इसका CH3CH2OH। तो ग्रेन एक अनाज है ना, ग्रेन मतलब अनाज है, और अनाज कौन सा, बार्ले सीड्स है ना, जो के बीज होते हैं उनसे बियर बनती है। तो ग्रेन एल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल, ओके। ग्लाइकोल ये हो गया बच्चों, CH2OH, ये हो गया आपका ग्लाइकोल। फिर आ जाए बेटा हम लोग ग्रेन एल्कोहल, ग्लिसरॉल, ये देखो, ये देखो और ये देखो बेटा, इसको ग्लिसरॉल बोल दो या ग्लिसरीन, बात एक ही है, ग्लिसरॉल बोल दो या फिर ग्लिसरीन, एक ही बात है। तो ग्लाइकोल, ग्रैन एल्कोहल और एक हो गया अपना ग्लिसरीन, ठीक है बच्चों। तो ये हमने काम किया इस तरह से। अब मुझे क्या करने का, ऑर्डर निकालना है। देखो बेटा ना, आते हम लोग यहां पर, देखो एक कॉन्सेप्ट लिखा बेटा मैंने यहां पर, कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आप देखो ग्लिसरॉल की बात करें, CH2OH CHOH CH2OH, ग्लाइकोल की बात करूंगा तो आप बेटा एक ही की OH है, एक OH, एक OH, दो हो गए टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। यहां देखो आप ग्लिसरॉल, सॉरी ग्रैन एल्कोहल की बात करो, ओनली वन OH। अब आप देखो कि यार ये जो अपने पास है क्या है बच्चों, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन, ये वापस लिख दिया बेटा मैंने ग्लाइकोल, और ये लिख दिया आपका ग्रैन एल्कोहल, पूरा सजा दिया मैंने क्वेश्चन को अच्छे से, ग्रैन एल्कोहल। अब क्या हुआ, मैंने कहा जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा। तो हम लोग ऐसे बोलते ना यार कि सवेरे उठ के हम लोग चेहरा, विंटर में हमने देखा होगा, विंटर में अगर ऐसे सोचे, विंटर में हम लोग क्या करते, चेहरे पे ग्लिसरीन लगाते बेटा, हम एल्कोहल से मुंह क्यों नहीं देते, एल्कोहल से मुंह क्यों नहीं धोते हैं, एल्कोहल लगा लो मुंह पे, क्या फर्क पड़ गया। हम क्यों, ऐसा क्या होता है कि विंटर सीजन में हम लोग चेहरे पे ग्लिसरीन लगा के निकलते ताकि ड्राइनेस ना हो, यही होता है ना रीजन बेटा। सुनो क्या होता है कि जैसे आपने चेहरे पे स्किन, चेहरे पे जो लेयर है वो किसके लिए, ग्लिसरीन की लगाई। अब नेचर में बेटा ह्यूमिडिटी, नेचर में ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन नेचर के जो ह्यूमिडिटी है उसमें वाटर जो है उसके साथ क्या कर ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो ग्लिसरीन क्या कर रहा है, चेहरे के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया, जो अपने पास स्किन के ऊपर क्या बना रहा है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। तो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की वजह से चेहरे की जो ह्यूमिडिटी वो क्या होगा, वो ड्राई नहीं होगा, या यूं कह दूं मैं आपसे, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने क्या कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी ग्लिसरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाटर ने, है ना बेटा। तो ग्लिसरीन क्या कर रहा है, चेहरे की मतलब फेस को, फेस जो अपनी स्किन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है किसे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर ग्लाइकोल में दो ही OH है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, या यूं कह दूं मैं आपसे, यहां पर मैक्सिमम
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी बेटा, यहां पर, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां जुड़ेंगे। तो यही आंसर किस चीज का हो गया, ये आंसर हो गया आपका किस चीज का बेटा, देखो विस्कस मतलब स्टिकी सब्सटेंस है ना, चिपचिप स्टिकी सब्सटेंस है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी आंसर ये हो गया, ये आंसर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे विस्कस है ना, विस्कस जेली टाइप विस्कोसिटी। अब उल्टी बात कर लें, उल्टी बात करें तो ग्लिसरीन ग्लाइकोल ग्रैन एल्कोहल, तो सबसे देर से स्किन पे से कौन उड़ेगा, जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हुए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे बॉन्ड बने, तो मतलब एक एग्रीगेशन एक कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या वो इजीली उड़ पाएगा स्किन पे से, नहीं उड़ पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आंसर हुआ किस चीज का बेटा, वॉलेटिलिटी का, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलिटी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो छोटे छोटे सवाल है पर आते हैं ये, इस तरह की ध्यान रखना बेटा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल उतने पास पास रहेंगे, उनको अलग करना उतना मुश्किल होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट जब बहुत ज्यादा हो गया तो अलग नहीं हो पा रहा, इसका मतलब उसका ऊपर जाने की टेंडेंसी, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बहुत कम हो गई, तो उसकी वॉलिटाइल नेचर क्या हुआ बहुत कम हो गई। तो ध्यान रखना ये एक क्वेश्चन था अपने पास, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विस्कोसिटी एज वेल एज वॉलिटिलिटी, दो आंसर सेम चलेंगे, एक आंसर उल्टा चलेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्थो, या पूरा लिखता हूं, चलो लैंग्वेज के साथ लिखता है ना बेटा, इन बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज मोर स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल है ना बेटा। अब सारी बात करते हैं, ये अलग टाइप की लैंग्वेज आ गई कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना बेटा। तो स्टीम वोलेटाइल, चलो आते हैं बेटा बात को सॉल्यूशन पे, आए इस सवाल के सॉल्यूशन पे आते, देखो सॉल्यूशन पे आए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ओ एच एनओ टू, ओ एच एनओ टू, ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड आर गोइंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट अटेंड्स विद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेयर इज अटेंड्स विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके गाइज नाउ, तो बड़ी क्या होगा, हाइड्रोजन एटम दो मोर ईएन एटम्स के बीच में आ गया है ना बेटा, तो हुआ क्या, ये हुआ, ये हुआ, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉन एज इंट्रामोलिकुलर, फर्स्ट एग्जाम्पल यह बेटा इंट्रा का, मैंने ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मैंने जो बनाया बच्चों, ये क्या है, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यहां आ जाओ पैरानाइट्रोफिनॉल पे चलते हैं ना, पैरानाइट्रोफिनॉल पे देखो ओ एच एनओ टू, फिर लिखा बच्चों मैंने ओ एच एनओ टू, फिर लिखा बच्चों मैंने ऐसे ओ एच एनओ टू। ओके अब हुआ क्या, ओ माइनस एच प्लस, ओ माइनस एच प्लस, ओ माइनस एच प्लस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, देखो प्रोसेस चलता जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लिखी बेटा,
ये जो बात मैं कर रहा हूं कौन सी बेटा, ये इंटर येलो वाला देखना बेटा है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया बेटा मैंने, पैरा नाइट्रोफिनोल, यहां है इंटर यहां इंट्रा, तो मोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मच मोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मींस इन पैरा नाइट्रोफिनोल, बट सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कांट बी पॉसिबल इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वी नो वेरी वेल मोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन टेक्स प्लेस इन इंटर मॉलिक्यूलर, दैट मींस तो बॉइलिंग पॉइंट कहां ज्यादा होगा, जहां मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, जहां मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे वो जगह कौन सी बेटा, ये वाली, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो गया, एग्रीगेशन बहुत ज्यादा हो गया, कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, इनको अलग करने में पावर, इनको अलग करने में पावर बहुत ज्यादा लगेगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया आपके पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा हो गया बच्चों, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से ज्यादा हो गया। ये किस चीज का आंसर लिखा बेटा मैंने, ये लिखा बॉइलिंग पॉइंट का, जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ वो ऊपर इजीली उड़ नहीं पाएगा, जब वो ऊपर इजीली उड़ नहीं पाया इसका मतलब ये उसकी वॉलेटाइल नेचर क्या है बेटा, बहुत कम है, तो जल्दी से कौन उड़ेगा, इसका बॉन्ड वीक होगा, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्थो का स्टीम वॉलेटाइल नेचर हमेशा पैरा से ज्यादा, ऑर्थो का स्टीम वॉलेटाइल नेचर हमेशा पैरा से ज्यादा होगी, स्टीम वॉलेटिलिटी या फिर नॉर्मली वॉलेटिलिटी बोल सकते हैं बेटा, तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट हमेशा पैरा का ज्यादा होगा, पर स्टीम वॉलेटाइल किसका ज्यादा होगा बेटा, ऑर्थो का ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो रहा हो पा रहा है बेटा आपको। अब एक और बात दिमाग में आपके आई होगी बेटा, यहां पर क्या आई होगी कि सर यहां बॉन्ड क्यों नहीं बना, यहां बॉन्ड क्यों नहीं बना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, बहुत ज्यादा वीक है, इससे ज्यादा वीक से दुनिया में एक बॉन्ड है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत वीक बॉन्ड है बेटा, ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं, तो इसका मतलब यहां पर इतना वीक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गए तो इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो क्या हुआ, यहां लिख देता हूं मैं, यहां मैंने लिखा क्या लिखा देखो, यहां लिखा मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, इट कांट बी पॉसिबल इन पैरा, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर यहां पॉसिबल होगा बेटा नहीं होगा, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े बेटा, सवाल समझ में आ गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहां पर ये, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सुनो बेटा पहला मसला क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है बेटा आप लोगों को, या नहीं पढ़ा है तो आ जाएगा, ट्वेल्थ में पढ़ा आप लोगों ने, देखो OH, ये भी राइट OH, दिस इज फिनॉल, फिनॉल के पैरा पोश में लगा दिया मैंने COOH, क्या लगा दिया बेटा COOH, है ना बेटा, तो COOH को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O के साथ भी बॉन्ड बन सकता है और इसके OH के साथ ही बॉन्ड बन, ऐसे देखो आप C डबल बॉन्ड O OH, है ना बेटा, तो O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, है ना बेटा, यहां पर जो बॉन्ड बना कौन सा बना, इंट्रामोलिकुलर, क्या बना बेटा, इंट्रामोलिकुलर, दिस इज ये जो मैंने बनाया बेटा, ये जो मैंने बनाया, ये जो मैंने बनाया बेटा क्या बनाया, ये दिस इज क्या बनाया बेटा, ये सैलिसिलिक एसिड, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये लिया OH COH पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना बेटा पैरा हाइड्रो, अब आप ही बताओ क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या यहां पर नहीं हो पाएगी, फिर यहां लिखा बेटा मैंने
ओ एच सी ओ एच पॉसिबल है. तो मैंने कहा यार ओ माइनस एच प्लस, ओ माइनस एच प्लस, ये वाला खेल तो हो जाएगा, ये वाला खेल तो हो गया. और ये कौन, और ऐसा होता चला जाएगा. ये वाली जो बॉन्डिंग बोली बेटा मैंने, ये वाली जो बॉन्डिंग मैंने बोली वो कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर. जस्ट वेट, अच्छे से लिखता हूं बेटा ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहां है इंटर, यहां है इंटर. ओके, इतनी बात हो गई. अब क्या हुआ कि यार मैंने कहा यार इंटर इंट्रा, मैंने पढ़ा है बच्चों आपको, देखो ध्यान से, मैंने आपको पढ़ा है इंटर इंट्रा. ये जो आंसर लिखा है ये किसका है, मैंने बॉलिंग पॉइंट का. किसका आंसर ये, बॉलिंग पॉइंट का. अगर यही आंसर वोलेटाइल नेचर का पूछे क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट वोलेटाइल नेचर, तो आंसर वुड बी इंट्रा देन इंटर, इंट्रा देन इंटर. मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका किस चीज का, ये हो जाएगा आपका आंसर वोलेटाइल नेचर. ओके गाइस, तो यहां पर हमने लिया सैलिसिलिक एसिड और पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इन्हें बॉइलिंग पॉइंट किसका था बेटा, ये होगा पैरा वाले का. ये अपने पास क्या है, ये जो मैंने लिखा है क्या बच्चों, ये पैरा ओके. तो ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस लिए. चलो